I will be removing her eye to save her life. That's how this disease works. 25 साल की लेडी जो कि पहले से ही कोविड से रिकवर हो चुकी थी, उनके नाक के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने ट्यूब डाला और म्यूकोमाइकोसिस नाम के एक फंगल इन्फेक्टेड टिश्यू को बाहर निकाला गया। उसके बाद डॉक्टर नायर ने 3 घंटे तक ऑपरेशन करके उस लेडी के दोनों आंख निकाल के उनकी जान बचा पाए। ये सब हुआ एक रेयर डिजीज के वजह से जो होता है म्यूकोमाइकोसिस, या फिर कहें ब्लैक फंगल के वजह से। ये डिजीज बहुत ज्यादा रेयर है पर इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर नायर का कहना यह है कि बस अप्रैल के महीने में ही उन्होंने महाराष्ट्र में ब्लैक फंगल डिजीज से इन्फेक्टेड 40 पेशेंट्स को देखा है। अकेले गुजरात में ही ब्लैक फंगल के कंफर्म केसेस 100 से ज्यादा पाए गए हैं। सूरत में 40 और महाराष्ट्र में 52 से ज्यादा डेथ हो चुके हैं और ये लिस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट की नाकामी और कोरोना को कमजोर समझने की वजह से आज इस देश में बेड, वैक्सीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, वैक्सीन तक की शॉर्टेज हो चुकी है और उसकी वजह से आज शमशान और कब्रिस्तान में लाइन ही खत्म नहीं हो रही है। उसके ऊपर से ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। मेरा आपको डराने का कोई भी मकसद नहीं है पर प्री प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस वजह से इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि ब्लैक फंगल को लेके लोग जागरूक बने और इसके ऊपर एक सही डिस्कशन शुरू हो सके। What is mucomycosis? ये एक तरह का फंगल होता है जो कि सोयल, मैन्योर, फ्रूट एंड हेल्दी पर्सन के नोज के अंदर पाया जाता है। ये ज्यादातर लंग्स, साइनस एंड ब्रेन के ऊपर अटैक करता है और HIV, डायबिटिक एंड कैंसर पेशेंट के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। एंड डॉक्टर ये मानते हैं कि इसके इन्फेक्टेड होने के बाद मोर्टालिटी रेट 50% होता है और मोर इम्पोर्टेंटली ये फंगल इन्फेक्शन स्टेरॉयड के वजह से ट्रिगर्ड होता है। ये डिजीज तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, करीब करीब 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1 लोग को ये फंगल इन्फेक्शन होता है। पर ये इंडिया में अब क्यों इतना बढ़ रहा है? क्या इसका भी कोई कनेक्शन COVID-19 से है? हाँ बिल्कुल है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बिल्कुल है। ब्लैक फंगल ज्यादातर स्टेरॉयड के वजह से ही ट्रिगर्ड होता है और वैसा ही बहुत ज्यादा स्टेरॉयड कोविड पेशेंट के लंग्स के डैमेज को बचाने के लिए यूज किया जाता है। वो स्टेरॉयड्स तो लंग्स के डैमेज से बचा देते हैं पर पेशेंट को अपने इम्यूनिटी पावर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और वो स्टेरॉयड्स पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और ये सब कारण होता है ब्लैक फंगल को ट्रिगर्ड करने के लिए। और इसी वजह से डॉक्टर्स का मानना यह है कि कोविड से रिकवरी होने के बाद 10 से 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगल का इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर नायर का कहना यह है कि जो भी पेशेंट उनके पास ब्लैक फंगल से इन्फेक्टेड होके आते हैं वो सीवियर कंडीशन में ज्यादातर आते हैं, उस वजह से उनको बचाने के लिए आंख निकालना पड़ता है। इसी वजह से डॉक्टर्स मानते हैं कि ब्लैक फंगल से बचने के लिए उसे प्राइमरी स्टेज में डिटेक्ट करना बेहद जरूरी है। अगर कोई कोविड पेशेंट या फिर कोविड से रिकवरी हो चुके पेशेंट्स के अंदर ये सारे प्राइमरी सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें जल्द ही जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। नाक ब्लॉक हो जाता है और नाक के अंदर से ब्लैक या फिर ब्लडी फ्लूइड्स निकलते हैं। चिक बोन या फिर फेस के एक तरफ में बहुत ज्यादा पेन होता है। नोज ब्रिड्स के ऊपर ब्लैक डिस्कलरेशन होता है एंड टीथ भी लूज हो जाता है बहुत सारे केसेस में। अगर ये फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके आंखों के विजुअल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आंख से ब्लरिश दिखने लगता है, आंख में डबल विजन भी हो जाता है और ज्यादातर ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होता है। और अगर ये प्राइमरी सिम्टम्स आंख में दिखते हैं तो आप प्लीज इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट को ही प्रिफर करें। और इससे बचने के लिए डॉक्टर्स का यह कहना है कि कोविड पेशेंट या फिर कोविड से रिकवरी हो गए पेशेंट करीब करीब 40 दिन तक अपने आंख, नाक, कान को बार बार चेक करते रहे प्राइमरी सिम्टम्स को ढूंढने के लिए। और अगर कोई प्राइमरी सिम्टम दिखता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना ज्यादा जरूरी है। ये डिजीज तो वैसे बहुत ज्यादा रेयर है पर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में COVID-19 अपने पीक पर है। इस वजह से हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ले नहीं रही है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट ने जब ब्लैक फंगल के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया तो गवर्नमेंट के तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि ब्लैक फंगल अभी इतना ज्यादा आउटब्रेक नहीं हुआ है। मेरा सवाल बस गवर्नमेंट से ये है कि आउटब्रेक होने तक का इंतजार करना सही होगा या फिर प्रिकॉशन लेना सही होगा, क्योंकि अगर प्रिकॉशन लिया नहीं गया इस सेकेंड वेव की तरह तो थर्ड वेव में गंगा नदी में हजारों नहीं लाखों की संख्या में सब बहता नजर आएगा और लोगों के सवाल के जवाब गवर्नमेंट दे नहीं पाएगा।
इसलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें, क्योंकि लोग जितना सावधान रहेंगे हम उतना ही जल्दी इस पेंडेमिक से निकलेंगे। और मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें और ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहां पर।